मैं तुम्हें हर दिन इसी तरह देखूंगा। एक ही ख्वाहिश थी कि जब आंखें बंद करूं तो तुम्हारा चेहरा, जब आंखें खोलूं तब भी तुम्हारा ही चेहरा नजर आए। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है कि सच है कि सपना। ये सपना नहीं, सच। और ये भी सच है कि इस वक्त दरवाजे पर कोई है। नहीं यार, नहीं नहीं। माँ आप? आइए ना अंदर आइए। तुम दोनों को परेशान तो नहीं कर रही हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, कहिए। मैं इलाहाबाद जा रही थी ऋचा से मिलने, लेकिन पता चला है वो तो दिल्ली आई हुई है, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए उसे ले आऊं। घर के सब लोगों से पूछ लिया है, तुमसे पूछना भी जरूरी समझा। कैसी बातें कर रही है माँ, आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, अब तुम अकेले नहीं रहे हो, पत्नी है अब तुम्हारी, तुम्हें भी अपनी पत्नी को जवाब देना है। भाई बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं, आप जब चाहे उसे बुला सकती है, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी उसे। धन्यवाद बेटा, वैसे ऋचा ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है, लेकिन तुमसे तो जरूर मिलेगी। हम सोच रहे थे कि सबको सच सच बता दें।
मोहन, अरे भाई क्या कर रहे हो, फूल क्यों उतारे? शादी का घर है, खुशियां भी खत्म नहीं हुई। जी मालिक वो। अरे वो क्या कर रहे हो? हाँ, अरे भाई चलो लगाओ वापस। पापा शादी तो हो चुकी है ना? मैं जानता हूँ शादी हो चुकी है, लेकिन हमारे घर में बहू आई है, खुशियां चहकनी चाहिए, सजावट रहनी चाहिए। क्या आपको सचमुच लगता है कि ये सही वक्त है इन सबको इस बारे में बताने के लिए? अरे छोटे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ तो कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं है। लेकिन रुकिए, रिचा आ रही है आज, आप ही की उम्र की है, आप उसके साथ खेल सकते हैं। नहीं नहीं ना, हम लड़कियों के साथ बात करते हैं ना, उनके साथ खेलते हैं। हम निकलते हैं। कुछ होता है। हरत भैया, हाय। अच्छा, हाउ आर यू? आपको पता हम आपका इंतजार सुबह से कर रहे हैं। अच्छा, ये है अदिति। अदिति, रिचा। हाय। हेलो। चलो मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलाती हूँ, आओ। और इनसे मिलो, ये है चिंटू। चिंटू, तो 5 साल के बच्चे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे सब मुझे प्यार से चिंटू बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम चेतन है। आप कुछ भी बुला सकती हैं, चिंटू चेतन सब एक ही है। रिचा आओ बेटा। मेरा बेबी मामा की आवाज सुन सकता है ना? आपसे कितनी बातें करनी है। मामा सोचती थी कि बेबी से बहुत बातें करेगी, बहुत सारी। हम किसी भी तरह से आपको इस दुनिया में ला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा आपके साथ रहेंगी, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मम्मा आपके लिए पूरी कोशिश करेंगी, जो भी हो सब करेंगे आपकी माँ। बच्चे क्या नहीं खुशी मना रहे हैं। इस वक्त तुमने सच बताना सही नहीं होगा दिव्या। जब सही वक्त आएगा तो हम सच बता देंगे।
के साथ अपॉइंटमेंट है। याद है ना मेरे को? तब ख्याल रखिएगा। अपनी मुंह दिखाई लो और हमें अपना चेहरा तो दिखा। भैया भैया, बहू रानी तो एकदम चांद का टुकड़ा है। जी कैसी जोड़ी, ये तो लंगूर के बगल में हूर वाला किस्सा है। खबरदार जो हमारे भारत को कुछ कहा। हमारा भारत तो लाखों में एक है। करुणा जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो इतनी सुंदर बहू मिली आपको। ऐसी खूबसूरत बहू को देखकर आपके लड़के ने तो पहली बार में ही पसंद कर लिया होगा। ठीक कह रही हैं आप। मेरा बेटा तो पहली नजर में ऐसा फिदा हुआ कि उसको ये भी याद नहीं रहा कि इसकी पहले शादी हो चुकी है। मैं अभी आई। पुतो फलो। अरे वो भी हो जाएगा अम्मा, लेकिन अभी तो पोतों से खेलने का वक्त हमारी दुल्हन का है। बच्चे का कोई नाम हम सोचा है आप लोगों ने कि नहीं? अरे हाँ, अम्मा की बात से याद है, ये बात तो हमारे किसी के दिमाग में नहीं आई। लेकिन अभी ये भी तो नहीं पता है कि लड़का होगा कि लड़की। ये लड़का हो या लड़की, तंदुरुस्त रहे और माँ भी तंदुरुस्त हो। क्या करे शंभुनाथ, कह भी तो नहीं सकते हैं किसी से जो सपने आप सब देख रहे हैं वो शायद अधूरे ही रह जाए। जान बचाने के लिए मैं इस बच्चे की जान कैसे ले सकती हूं? ये पाप है। तुम चिंता नहीं करो, मैं अमर को मनाऊंगी, उन्हें राजी कर लूंगी मैं। दिव्याम जान, आपके लिए बच्चा क्या मायने रखता है? हम जानते हैं हमारे बच्चे को गिराते हुए आपको कितना दुख हो रहा है। हम खुद ही पाप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, मगर इस वक्त हमने हौसला ना किया तो आपको हिम्मत कौन देगा? शर्मा जी, हाँ नहीं, हम मीटिंग के लिए नहीं आ सकते, कुछ जरूरी काम है।
बाद में फोन। ओके टेक केयर। हमारी सबसे प्यारी दिव्या क्या सोच रही हैं? देखिए सोच विचार आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जानती है ना? चलिए इधर आइए, उठिए 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 उठिए, इधर बैठिए। आपको सिर्फ आराम की जरूरत है, कल सुबह आपको जल्दी उठना है। कल आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, याद है ना आपको? क्या ये सब करना इतना जरूरी है? मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। हो सकता है ना कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में कहीं कोई कमी रह गई हो। अब कहना क्या चाहती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे के जन्म में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे कुछ नहीं होगा उसके जन्म के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। दिव्या अमर, आप समझिए ना, ये बच्चा हमारा भविष्य है, हमारे प्यार की निशानी है। आप क्यों नहीं समझ रहे दिव्या? प्यार की निशानी के लिए हम अपने प्यार को खतरे में नहीं डाल सकते। दिव्या, डॉक्टर ने हमसे साफ साफ कहा है कि बच्चे की डिलीवरी के लिए जानलेवा साबित होगी। समझने की कोशिश कीजिए दिव्या। देखिए अगर आपको कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बस इस विषय में हमें और बहस नहीं करनी। कल ऑपरेशन है आपका, आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए। बस हमें इस बारे में और बहस नहीं करनी, प्लीज। अमर, दिव्या, क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। दिव्या, दिव्या, आपको इधर देखिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, क्या होगा? टीनू, अमर, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए बच्चा बहुत जरूरी है अमर, क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? ये ऑपरेशन नहीं चाहिए मुझे। दिव्या, 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 द